ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इतना इक्विपमेंट जो अभी कैरी करने वाला हूँ, इतना मैं किसी असाइनमेंट में, आज तक मैंने किसी असाइनमेंट में इतना इक्विपमेंट कैरी नहीं किया होगा, और ये सारा इक्विपमेंट जाएगा यूरोप। तो अगर आप भी इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि इंटरनेशनली कैमरा इक्विपमेंट कैसे ले जाना चाहिए, बोथ कैरी ऑन बैगेज में और चेक्ड इन बैगेज में, तो शायद ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। ये जो तरीका है इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने का, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आप देखेंगे तो ये एक पेलिकन एविएटर बॉक्स कह लीजिए, हार्ड केस कह लीजिए, वैसे तो ये वैनगार्ड का है, पेलिकन नहीं है, बट ये उतना ही रगेड और वेल बिल्ट है। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक तो ये लेयर ऑफ फोम है, दूसरा फोम जो इसके ऊपर आता है वो ये है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे कि इसको यूज़ कैसे, सेटअप कैसे करना है अगर मेरे को इक्विपमेंट ले जाना है, तो बहुत क्लियर कट कोई ट्यूटोरियल वीडियो है नहीं इसके ऊपर। जो भी मुझे समझ में आया, और एक दो जो हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस में है, बट जो भी विजुअल्स देख के मुझे समझ में आया, मैंने सोचा वही ट्राई करता हूँ मैं। तो इक्विपमेंट, जैसे कि हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोटोग्राफर्स जो हैं वो कैमरा इक्विपमेंट चेक इन बैगेज में नहीं डालते हैं, हम कैरी ऑन बैगेज में लेके जाते हैं। ये बेसिकली मेरा कैरी ऑन बैग है, ये मानफ्रोटो का बैग है, स्ट्रॉलर है बेसिकली। इसमें लैपटॉप भी आ जाता है, और लैपटॉप के अलावा बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, इक्विपमेंट वगैरह। तो एक बैग मैं ये लेके जाऊंगा और एक मैं इसको चेक इन में डालूंगा। तो इस बैग में जो मेरा मेन कैमरा होगा वो मैं रखूंगा, अलॉन्ग विद लैपटॉप वगैरह, और ड्रोन लेके जाना है। ड्रोन को जो मैंने रूल्स पढ़े हैं, ड्रोन को आप चेक इन बैग में नहीं डाल सकते, और ड्रोन को लेके कोई भी एयरलाइन के कोई स्पेसिफिक रूल डिफाइंड ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो बेसिकली CISF के मूड पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा अभी मेरा ड्रोन है, इसको मैंने पैक करके इसमें रखा हुआ है, और इसकी बैटरीज मैंने इधर डाल दी हैं। हमेशा याद रखिए, बैटरीज कभी भी चेक इन में मत डालिए। अगर आपने डाली है और आपने एयरलाइन स्टाफ को नहीं बताया है, खासकर इंटरनेशनली, तो आपका बैग रुक जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ड्रोन मैं कैरी ऑन बैगेज में लेके जाऊंगा, कैबिन बैग में। तो ड्रोन को मेरे को तरीका देखना पड़ेगा कहीं फिक्स करने का, कहाँ पे उसको फिक्स कर सकता हूँ। बाकी इक्विपमेंट जो मुझे लगता है जो मुझे यूरोप जाके यूज़ में आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको इस एविएटर बॉक्स में या हार्ड केस में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो एक तो मेरा लूमिक्स का GH5 है, उसके साथ 12-60 mm का लेंस है जो किट लेंस है। ये है 100-400 लूमिक्स का वीबल गिम्बल, इसकी भी बैटरी निकाल ली है, इसकी भी बैटरी निकाल ली है। बैटरी सारी कोशिश करिए कैरी ऑन बैग में ही जाए, वो ज़्यादा फिजिबल। इसके अलावा ये निंजा है, एटमॉस निंजा, तो इसको भी मैं इसमें रखूँगा। और बाकी जो इसके ऊपर है ना दूसरा, ये पूरा कट जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट प्रोसेस आई एम यूजिंग राइट नाउ। ये फोम को मैं काटूंगा शेप के हिसाब से। इसके अलावा इसके ऊपर फिर ये दूसरा फोम आना चाहिए आइडली, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया, पता नहीं, मैं भी ट्राई करके देखूंगा कि इसको कैसे फिक्स करना है इसके ऊपर। तो शायद जब ये इक्विपमेंट को मैं इस फ्रेम के हिसाब से काटूंगा और ये अंदर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर आएगा, और फिर जो छोटे मोटे आइटम है ना, जैसे कि ये गिम्बल की प्लेट है, ये मैं इस फोम में काट के ऐसे प्लेस कर दूंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए इधर। तो अभी तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इसको, तो पहले मैं इसको बनाऊंगा ना। शेप काटने के लिए पहले मैंने सोचा मार्कर से मार्क कर लूंगा, बट फिर ध्यान आया ये तो फोम है, इस पर मार्कर काम ही नहीं करेगा। तो व्हाट आई एम यूजिंग टूथपिक यहाँ पे, तो मैंने जगह जगह टूथपिक लगा दिए फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि आप देखेंगे ना कि ये जो है ये आई पीस है, तो इसके पीछे भी मैंने एक टूथपिक लगा के रखी, इतना गैप छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो प्लास्टिक से हिट करेगा, तो मोटा मोटा फ्रेम कट जाएगा। एक बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट हाँ कैमरे के हिसाब से एक ढांचा बन जाएगा, खांचा बन जाएगा कहना चाहिए, और उस खांचे के अंदर ये चला जाएगा, विच इज़ फाइन। तो ऐसी टूथपिक लगा लगा के मैं बाकी का शेप काटूंगा और इसको फिक्स कर दूंगा, इसमें देखते हैं वो कैसा निकल के आता है। एक्चुअल में कई बार क्या होता है ना, इक्विपमेंट जो अभी आपने मेरे इसमें हार्ड केस पे देखा लगा हुआ, जो मैंने टूथपिक से अभी फ्रेम बनाने की, वो बहुत अभी लिमिटेड है। कुछ इक्विपमेंट मेरा, इतना इक्विपमेंट अभी, ये पीछे मेरा अलमारी है, इसमें काफ़ी सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो कुछ इक्विपमेंट वेट के हिसाब से मेरा कैरी ऑन बैगेज में चला जाएगा, जो मेरा स्ट्रॉलर है उसमें। बट स्ट्रॉलर की एक लिमिट होती है अराउंड 8 kgs, तो
तो 8 kg से अगर ज़्यादा इक्विपमेंट होगा डोमेस्टिक फ़्लाइट में, तो मैंने ट्रिक आजमाई है कि मैं 8 kg से थोड़ा ज़्यादा भी लेके जाता था, और एयरलाइन स्टाफ बोलता था आपका हैंडबैग का वेट 8 kg से ज़्यादा है, तो मैं खोल के उसको दिखा देता था कि भाई सारा कैमरा इक्विपमेंट ग्लासेस लेंसेज ये सब हैं, तो अगर आप बोलते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं चेक इन में डालने को रेडी हूँ, तो वो बोलते थे अच्छा ले जाइए सर कोई इशू नहीं है। बट इंटरनेशनली ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो 1 kg भी ऊपर अलाउ नहीं करते, 1 kg भी नहीं करते। तो इसलिए लिमिटेड वेट कैपेसिटी है कैरी ऑन बैगेज की, कैबिन बैगेज की, तो इसलिए 8 kg के हिसाब से इक्विपमेंट उसमें चला जाएगा, बाकी जो इक्विपमेंट होगा वो या हार्ड केस के अंदर जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने अभी प्लानिंग करी है। और जो छोटा मोटा इक्विपमेंट है ना, जैसे मेरा एक छोटा सा ट्रैवल ट्राईपॉड है, ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ट्रैवल ट्राईपॉड है, इसको मैं फोल्ड करके चेक इन बैग में डाल दूंगा। फिर कुछ ये बाइनोकुलर है मेरे पास, निकॉन की बाइनोकुलर है, इसको मैं पैक करके अपने नॉर्मल चेक इन बैगेज में जिसमें कपड़े वपड़े जाएंगे उसमें डाल दूंगा। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे आइटम्स मैं नॉर्मल बैग के अंदर चेक इन करवा सकता हूँ, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे को ये हार्ड केस की ज़रूरत पड़ी। ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था और आज यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने से ऊपर हो गया इस बैग को लिए हुए, और यूज़ मैं अब करने वाला हूँ उसको, बट इतने महीनों में मैंने ट्राई ही नहीं करके देखा कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आज मैं ज़रा ट्राई करके देख रहा हूँ, आप लोग को बताता हूँ कि ये जो तरीका है इफ़ेक्टिव प्रूव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। टफ लग रहा था इतना टफ है नहीं, काफ़ी इजीली मैंने ये GH5 के लिए अगर आप देखोगे तो काफ़ी इजीली मैंने ये शेप काट लिया है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ कैमरा बिल्कुल परफेक्टली उसमें बैठ गया है ताकि ज़्यादा मूवमेंट आओ कैमरे का। तो ये इसलिए होता है कि आप देखेंगे कि बिल्कुल फिक्स हो चुका है अच्छे से, मैं इधर से क्लोजअप दिखाता हूँ आपको, तो ये पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। मैंने इनफैक्ट ये जो व्यू फाइंडर है इसके लिए भी शेप काटा हुआ था इधर, तो ये भी परफेक्टली शेप में बैठ चुका है। अब ये जो बाकी बचे फोम है ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको निकाला हुआ है, तो एक्चुअल में ये पूरा अगर मैं सही से इसको कटर से काटता तो ये पूरा एक बार में निकल आता, और वो शेप को बाद में मैं यूज़ कर सकता था। अगर मुझे सपोज़ GH5 की बजाय कोई और कैमरा रखना होता, बड़ा कैमरा या बड़ा बॉडी फुल फ्रेम, तो वो फिर मैं उस शेप को कस्टमाइज़ कर सकता था, बट अभी मैंने क्या है जल्दबाजी में ये खांचा निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब मैं बाद में देखूंगा इसको यूज़ कैसे करना है, संभाल के रख लूँगा मैं इसे अपने बैग में, बाद में देखता हूँ। हाँ टूथपिक मेरे बड़े काम के आई है टू मार्क आउट दी शेप ऑफ दी कैमरा, सो आप भी अगर इस तरीके का बैग ले रहे हैं कोई भी, चाहे वो पेलिकन हो चाहे वैनगार्ड का हो, तो आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे को ये लेंस फिक्स करना है, गिम्बल फिक्स करनी है, एटमॉस निंजा फिक्स करना है, और एक और आइटम की जगह है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसमें बाइनोकुलर फिक्स करूँ, या मेरे पास एक्चुअल में अगर आप वो देखेंगे तो वो न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स हैं निसी के, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव आइटम, तो क्या मैं उस पूरे बॉक्स को इधर फिक्स करूँ, क्या करूँ अभी समझ नहीं आ रहा है, बट देखता हूँ अभी गिम्बल और लेंस तो कम से कम फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। हार्ड केस है ये मेरा रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये जो सबसे पहले ये ऊपर का फोम है, ऊपर के फोम में मैंने सिर्फ 2 आइटम रखे हैं अभी, बिकॉज़ इसकी डेप्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पहला आइटम जो है वो ये टेलीप्रॉम्प्टर है, जिसको मैं कभी कभार कभी कोई इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ किसी का तो, और वो बार बार स्क्रिप्ट भूल रहा है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये मेरे कुछ ND फिल्टर हैं, न्यूट्रल वेरिएबल ND फिल्टर, तो 2 ऊपर रखने पड़े, बाकी के मैंने यहाँ नीचे रखे हुए हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे वाले खांचे में आ नहीं रहे थे। सो अगर मैं ऊपर का फोम हटाता हूँ तो ये देखिए, ये गिम्बल GH5 विथ किट लेंस और 100-400 mm, ये एटमॉस निंजा,
और ये बाकी के मेरे वेरिएबल एनडी फिल्टर्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ फुल फ्रेम और माइक्रो फोर थर्ड दोनों ही लेंसेज पे ऑन एंड ऑफ। तो ये मैं इधर रख देता हूँ। गुड थिंग ये जो निसी के वेरिएबल एनडी फिल्टर हैं उनके जो बॉक्सेस हैं, चाहे आप कितने भी एमएम का ले लीजिए, उनके जो बॉक्सेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। इसको मैं ऐसे ऊपर लगा दिया और फिक्स किया इसको अच्छे से। यहाँ पे अपने एनडी फिल्टर दोबारा गए, गुड। और ये रहा टेलीप्रॉम्प्टर एंड देन उप्स हाँ, इसको हमने कर दिया लॉक सब जगह से। और फिर उसके बाद जब इसको चेक इन में भेजेंगे तो इधर मैं एक TSA का लॉक लगाऊंगा और इधर एक TSA का लॉक लगाऊंगा। इस तरफ एक TSA का लॉक की जगह दी हुई है और इस तरफ एक लॉक की जगह, आप नॉर्मल लॉक भी लगा सकते हैं इधर जो ताले होते हैं आपके। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि TSA के लॉक्स लगाएं आप, TSA के लॉक्स, और नॉर्मल लॉक्स मत लगाएं, क्योंकि TSA के लॉक्स नॉर्मली जो बाहर की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, इंडिया का तो मुझे पता नहीं, बट उनके पास एक्सेस होता है और वो खुद ही खोल के चेक वेक कर सकते हैं अगर उनको कुछ डाउट होता है आपके लगेज को। बट नॉर्मल लॉक्स अगर आप लगाएंगे, वो जो देसी ताले होते हैं ना, अगर आप वो लगाएंगे तो कुछ एक दो बारी मेरे साथ हुआ है, इनफैक्ट मेरी वाइफ के साथ भी हुआ है कि उन्होंने वो लॉक्स को तोड़ दिया है, तो उसको अवॉइड करिए। TSA के लॉक्स अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, खासकर इस तरीके के लगेज के साथ, इस तरीके के बैगेज के साथ, तो TSA के लॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। नाउ मैं आपको सभी को सजेशन यही दूंगा, अगर आप कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, तो अगर आप इस तरीके के एविएटर बॉक्स में या हार्ड केस में इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर से उधर, तो कोशिश करिए बैटरी वाले आइटम कोई भी नहीं होना चाहिए, ना उसमें पावर बैंक हो, ना कैमरे के अंदर बैटरीज हो, सारी बैटरी आप कैरी ऑन बैगेज में, कैबिन बैगेज में, जिसको बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में कैरी ऑन कर रहा हूँ मैं जब से, कैबिन बैगेज में आप कैरी कर सकते हैं वो बैटरीज़ को। कोशिश करिए बैटरी सारी डिस्चार्ज रखें, एक आध बैटरी अगर चार्ज्ड है आपके कैमरे के अंदर, नॉट एन इशू। जैसे कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस कैमरेज को लेके इतना फसी नहीं होते हैं, इतना सीन क्रिएट नहीं करते हैं। अब ड्रोन जैसे कुछ आइटम हो सकते हैं जिनको लेके कुछ इशू हो, तो आप एयरलाइंस के रेगुलेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। हालांकि मैंने बहुत रिसर्च करी है, ड्रोन रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकली इक्विपमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम एयरलाइंस देती हैं कि आप क्या क्या इक्विपमेंट चेक इन में कर सकते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट आप कैबिन बैगेज में ले जा सकते हैं। वो मोस्टली बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कि इतने एम्पियर की बैटरी आप ले जा सकते हैं, इतने एम्पियर की बैटरी आप चेक इन कर सकते हैं, वो बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देते हैं। मेरे ख्याल से एयरलाइन को इक्विपमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए। मैं इतना सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने ये इश्यूज़ फेस किए हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में, जब होता यह है कि इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद सिक्योरिटी आती है, मुझे नहीं पता इसका सिस्टम क्या है, और जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं तो आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लग जाता है कि लॉजिकली आप कंट्री के बाहर जा चुके हैं, और जैसे ही आप सिक्योरिटी क्लियर करते हैं वहाँ पर बोला जाता है आप ये नहीं ले जा सकते, आप वो नहीं ले जा सकते, आपको ये इक्विपमेंट या ये डिवाइस आप चेक इन में आपको डालना चाहिए था। तो इशू तब आता है जब आपको वापस एयरलाइन स्टाफ को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कि मुझे ये लगेज में डालना है, और वो बोलते हैं लगेज तो सर जा चुका, लगेज तो जहाज़ में चढ़ गया, अब उसको ऑफलोड करना पड़ेगा। कई केसेस में कुछ एयरलाइंस कुछ चार्जेस भी ले लेती हैं, मैंने सुना है। तो इन सारे इशूज़ को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए जो भी आप चेक इन में डालें इक्विपमेंट, वो पूरा डिस्चार्ज होना चाहिए, किसी में बैटरीज़ नहीं होनी चाहिए, और अच्छी तरह सेफली उसको आप सिक्योर कर लें। इसलिए हार्ड केसेस जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये वैनगार्ड की सुप्रीम सीरीज़ का हार्ड केस है एक, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। मैंने ये फ्यूचर फॉरवर्ड से ख़रीदा था और जिसकी मुझे प्राइस पड़ी थी कुछ शायद 16,000 के आसपास, विच इज़ वेरी गुड। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतना सा ही इक्विपमेंट आया है, बट ट्रस्ट मी, ये जो इक्विपमेंट है, गिम्बल माइक्रो फोर थर्ड कैमरा, दो लेंसेज, एटमोस निंजा स्क्रीन, उसके अलावा कुछ एनडी फिल्टर्स जो साथ में जा रहे हैं, एक मेरा टेलीप्रॉम्प्टर, ये बहुत डेलिकेट आइटम है और इनको प्रोटेक्ट करके ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नॉर्मल उसको कैबिन बैगेज में ले जाऊंगा तो ऑलरेडी मेरे पास दो फुल फ्रेम, जैसे कि मैंने बताया, और उनके लेंसेज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, कुछ माइक्रोफोन्स भी हैं मेरे पास, तो एक आध माइक्रोफोन मैं ऊपर रखूँगा, बाकी के मैं सारे अपने जो कपड़े वाला बैगेज है उसके अंदर मैं सब चेक इन कर दूंगा कि उनमें बैटरीज वगैरह कुछ डलती है नहीं, उनको आप ऐसे भी डाल सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा,
इसकी सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि इसके नीचे ये स्ट्रॉलर की तरह भी काम करता है, इसके नीचे ये व्हील्स दिए हुए हैं और काफ़ी सॉलिड बिल्ट के व्हील्स हैं। हैंडल एक इधर भी है, एक हैंडल इधर भी है ताकि आप इसको स्ट्रॉलर की तरह इस्तेमाल कर सकें। ये हैंडल हो गया, एक आपका लगेज की तरह अगर आपको हैंडल यूज़ करना है तो एक हैंडल यहाँ पे भी है साइड में, जो नॉर्मल आपके जो सूटकेसेस होते हैं या बैग होते हैं उनकी तरह। और फिर आप इसको एज अ स्ट्रॉलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। हैवी है, काफ़ी हैवी है, हैवी है इसलिए ड्यूरेबल है, सॉलिड बिल्ट है इसलिए हैवी है। तो ये चीज़ तो हाँ है कि ये काफ़ी भारी हो जाएगा अगर इसमें और ज़्यादा इक्विपमेंट आता है तो, बट एनी विच वेज आपका इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी सेफली और सिक्योरली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसमें। और फिर अगर आपको इसको एयरपोर्ट पर लेके मूव भी करना है तो आपको हैवीनेस जो है इसकी फील नहीं होगी, क्वाइट स्मूथ, सो प्रेटी नाइस। नाउ आज क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, एक छोटी सी गलती जो मुझे लग रही है मैंने कर दी है कि मैंने जल्दबाजी में फोम जैसे तैसे फ्रेम बनाने की कोशिश करी कैमरे के हिसाब से उसका साइज़ बनाने की, और टुकड़े इधर उधर निकाल के फेंक दिए, और अब वो टुकड़े मुझे नहीं लगता मेरे कोई काम के हैं। तो मैंने पता किया आप अलग से भी फ़ोम ख़रीद सकते हैं अगर आपको लगता है वो फ़ोम अब आगे कोई यूज़ का नहीं है। सपोज़ आपने कुछ और इक्विपमेंट लिया, कोई और कैमरा गियर लिया, अब आपको उसके शेप का फ्रेम बनाना है तो अब आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बेदर्दी से फ़ोम को काट दिया जैसे कि मैंने काटा। तो मेरे हिसाब से आप नया फ़ोम भी ले सकते हैं विच इज़ रीज़नेबली प्राइस, मैं प्राइस अभी पता नहीं किया है पर पता करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की एयरलाइन के थ्रू, तो सबसे पहले तो एयरलाइंस के सारे रूल्स चेक कर लीजिए। बैटरीज कोई भी आपके हार्ड केस में होनी नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली चेक इन बैगेज में तो कोई भी तरीके की बैटरी नहीं होनी चाहिए, बैटरी सारी आप हैंड बैगेज में लेके चलिए। बाकी कैमरा लेंसेज वगैरह जितना भी ग्लास आइटम है, डेलिकेट आइटम है, गिम्बल्स एंड ये सब, वो सब आप इसमें हार्ड केस में फिट कर सकते हैं। इसके अलग अलग साइजेस भी आते हैं, वैनगार्ड का ये जो है सुप्रीम सीरीज़ का है, मुझे नहीं पता इससे कोई बड़ा साइज़ है कि नहीं, बट मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट था इसलिए मैंने ये ले लिया। आप चेक कर सकते हैं वैनगार्ड की वेबसाइट पे जाके, या आपको इससे बेटर ब्रांड चाहिए पेलिकन का तो आप उधर भी चेक कर सकते हैं, बट मेरे लिए सफिशिएंट था क्योंकि मेरा इतना मूवमेंट अभी होने वाला नहीं है, अभी लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम उसको कब पैक करूँगा इस बैग में मुझे नहीं पता। तो उस हिसाब से आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है, 16,000 मुझे पड़ा इसका प्राइस। तो आप देख सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये आइटम ज़रूर खरीद लेना चाहिए। सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। आप किस तरीके के बैग को इस्तेमाल करते हैं जब आप अपना इक्विपमेंट इधर से उधर लेके जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जितनी आप शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ और लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालिए आपका क्या ख्याल है इस तरीके के हार्ड केस के बारे में, नॉट जस्ट वैनगार्ड और भी ब्रांड्स के आते हैं, आपका क्या ख्याल है यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको असेंबल किया तो मुझे लग रहा था काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जब मैंने इसको कर लिया तब मुझे समझ में आया। सो इवेंचुअली इक्विपमेंट यहाँ पे सेफ है, देखते हैं जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जब मैं इस बैग को खोलूंगा तो वाकई में अंदर चीज़ें सेफ़ रहेंगी कि नहीं, वो तो बाद में आगे के वीडियो में पता लगेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।